हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर में एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन वाला सर्किट है जिसको हम एसी सप्लाई देंगे। अभी तक हमने जो समझा वो प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स को हमने सिंगल मतलब सिंपल सिर्फ आर था, प्योर प्योर एल था, प्योर सी था, वन बाय वन हमने उसको एसी सप्लाई दिया और उसके बिहेवियर को देखा। वहाँ पर ये आइडियल थे, हमें मालूम था कि प्योर रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, प्योर इंडक्टर सिर्फ इंडक्टर का ही काम कर रहा है और प्योर कैपेसिटर का ही काम कर रहा है। इंडक्टर का जिस मटेरियल से इंडक्टर बना हुआ है उसका कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं है, वो प्योर इंडक्टर है। कैपेसिटर जिस मटेरियल से बना हुआ है वो प्योर कैपेसिटर है, उसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो उन सर्किट्स में हमने रेजिस्टेंस का बिहेवियर समझा, एसी के अगेंस्ट इंडक्टर का बिहेवियर समझा और कैपेसिटर का समझा, वो आइडियल थे। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन में आर के साथ एल का क्या बिहेवियर होगा, फिर आगे और मैं आर और सी का कॉम्बिनेशन, आर और आर एल सी तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर भी मैं समझाऊंगी। अब आज मैं आपको बताने जाने जा रही हूँ रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों अगर एक सर्किट में सीरीज में अवेलेबल हो तो क्या होगा। मतलब एक सप्लाई अगर हम वोल्टेज सप्लाई दे देते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को, तो करंट कैसा बहेगा, क्या होगा, रेजिस्टर कैसा अपना या इंडक्टर अपना क्या असर छोड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और कुछ नई चीज़ें भी हमको पता चलेंगी जो कि प्रीवियस तीन वीडियोस में प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में नहीं पता चल पाया था। तो चलिए, ये सर्किट है मेरा जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में है, ये प्योर रेजिस्टर है और ये प्योर इंडक्टर है, यही मानकर चल रही हूँ मैं। अब इसको हमने एक एसी सप्लाई दिया जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी है, स्मॉल वी, और इसका एक्सप्रेशन साइनोसाइडल जो एक्सप्रेशन है वो वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब इसका पैटर्न जो है एसी सिग्नल का वो साइनोसाइडल पैटर्न है, पीक वैल्यू वी एम है। नेचुरली जब सर्किट को मैं क्लोज करूँगी मतलब स्विच ऑन करूँगी, सर्किट को ऑन करूँगी तो करंट बहना शुरू होगा, करंट कैसा बहेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके कॉम्बिनेशन से करंट के रास्ते में कितनी रुकावट आएगी, उस कॉम्बिनेशन को मतलब जो एक नया ओम्स सामने आएगा इस रेजिस्टर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन से, एक नई रुकावट जो करंट के रास्ते में आएगी उसको हम क्या बोलेंगे। क्योंकि हमें मालूम है रेजिस्टेंस की वजह से जो रुकावट है उसे हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से जो रुकावटें होती हैं उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। पर अब यहाँ पर दोनों टाइप की रुकावट है तो टोटल ओवरऑल उस रुकावट को क्या नाम देंगे हम, वो सारी चीज़ें और भी कुछ थोड़ा थोड़ा नया मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, एक चीज़ तो मुझे बेसिक जो डीसी सर्किट हो चाहे कोई भी सर्किट हो, मैं जानती हूँ दो कंपोनेंट्स जब सीरीज में होते तो उसमें से सेम करंट बहता है, तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि आर और एल सीरीज में है तो दोनों सेम करंट कैरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब स्मॉल वी स्मॉल आई या स्मॉल वी आर, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसका साइनोसाइडल पैटर्न, इसका साइनोसाइडल पैटर्न, इसका साइनोसाइडल, इसका साइनोसाइडल एक्सप्रेशन नहीं डील कर रही हूँ मैं। और थोड़ा सा सेक ऑफ इजीनेस की वजह से मैं इन सब की आरएमएस वैल्यू को हैंडल करूंगी, और फिर जब हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी तो फिर मैं रिवर्स में जाके उसका साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स डिराइव कर लूंगी, मतलब इसका वोल्टेज ये सबको मैं समझ लूंगी साइनोसाइडल पैटर्न के फॉर्म में भी। चलिए, तो ये सारे आरएमएस वैल्यूज मैंने अल्फाबेट्स एब्रीविएट कर लिए हैं RMS वैल्यूज को लेके। तो RMS वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज मतलब इसकी RMS वैल्यू है V, V RMS, ऐसा मैं सफिक्स नहीं यूज कर रही हूँ, V बोल रही हूँ। I इसकी RMS वैल्यू है तो ऐसे शो कर रही हूँ, इसकी RMS वैल्यू V है, इसकी RMS वैल्यू VR है, मतलब इसके अक्रॉस के वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेज को मैं VR बोल रही हूँ, कैपिटल VR। इंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज की RMS वैल्यू को मैं VL बोल रही हूँ, R और L सफिक्सेस से।
इस तरीके से सारे एब्रीविएशंस आरएमएस वैल्यू के मैंने यहाँ पर ले लिए। है तो सर्किट सीरीज में लगे हुए हैं, सेम करंट कैरी कर रहे हैं आर और एल, तो क्या मैं केवीएल नहीं लगा सकती? लगा सकती हूँ बिल्कुल। तो मुझे ये मालूम है कि जितना भी सप्लाई वोल्टेज दूंगी उस सप्लाई वोल्टेज का कुछ ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा और कुछ ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि सप्लाई वोल्टेज केवीएल के अकॉर्डिंग सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ड्रॉप्स अक्रॉस आर एंड एल, ये होगा ही होगा। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आरएमएस वैल्यू को कैसे लिखूं। क्या मुझे ऐसे लिख देना चाहिए इसकी आरएमएस वैल्यू, रेजिस्टेंस की आरएमएस वैल्यू और इसकी आरएमएस वैल्यू? नहीं मालूम मैं सही कर रही हूं कि गलत कर रही हूं, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक कंक्लूजन पर पहुंचना है, मैं किस चीज़ का सहारा लूँ। मैं सहारा ले रही हूँ फेजर डायग्राम का। मैं उस केवीएल इक्वेशन को जो इस सर्किट के लिए होगी, जो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू ड्रॉप ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस आर एंड एल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक केवीएल इक्वेशन तक पहुंच पाऊं, तो मैं फेजर डायग्राम का सहारा ले रही हूं। फेजर डायग्राम का सहारा ले रही हूं मतलब मुझे इसका बिहेवियर मालूम है क्या, कि इसमें से बहने वाला करंट इसके वोल्टेज के साथ हमेशा सेम फेज में रहता है। इसका बिहेवियर मुझे मालूम है प्योर इंडक्टर का, कि इसमें से बहने वाला करंट इसके वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करता है। ये जो बेसिक हमने बिहेवियर समझा था प्योर रेजिस्टर और प्योर इंडक्टर का, वो और थोड़ा बहुत सर्किट के बारे में जानते हैं कि दोनों सीरीज में तो दोनों सेम करंट कैरी करेंगे, इन सबको मिला के मैं फेजर डायग्राम बनाना चाह रही हूँ। इन सारे नॉन चीज़ों को, इन सारे नॉन फैक्ट्स को मिला के मैं फेजर डायग्राम बना रही हूँ। चलिए, दोनों में करंट सेम है और करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है आई, तो अब मैं फेजर बना ले रही हूँ करंट का आई। ये फेजर मैंने बना लिया, इसको मैं रेफरेंस फेजर बोल रही हूँ। क्यों रेफरेंस बोल रही हूँ? क्योंकि दोनों में से बह रहा, सब में से, दोनों भी नहीं बोलना चाहिए, इसमें से भी बह रहा है, इसमें से भी बह रहा है, इसमें से भी बह, तो मेरा आई फेजर रेफरेंस हो जाएगा। मैंने रेफरेंस फेजर बना लिया। अब इसमें से बहने वाला करंट आई इसके वोल्टेज के साथ, इसके वोल्टेज फेजर के साथ, इसमें से बहने वाले करंट का फेजर इसके वोल्टेज के फेजर के साथ सेम फेज में रहेगा, मतलब अलाइंड रहेगा। तो ठीक है, दोनों को मैंने अलाइंड बना दिया। इसी पॉइंट से मैंने आई बनाया और इतनी ही लंबाई का मैंने वी आर बनाया। ये पूरी लंबाई वी आर है और इतनी लंबाई आई है। ये स्टार्टिंग पॉइंट आई के लिए भी है और यही स्टार्टिंग पॉइंट वी आर के लिए भी है। दोनों मेरे सेम फेज में, तो दोनों अलाइन बनेंगे, दोनों के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं होगा। अब इस पर आ जाते हैं, इसमें से बहने वाला करंट का फेजर आए इसमें से बहने वाले वोल्टेज के फेजर के से 90 डिग्री पीछे होता है। तो मतलब इसके वोल्टेज का जो फेजर होगा वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, वाइस वर्सा, मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे है या करंट 90 डिग्री पीछे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो करंट से वी एल फेजर को 90 डिग्री आगे बना दिया। आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो फेजर आगे होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, एंगल हमें मालूम है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी नीचे, नीचे अगर मैंने वी एल बना दिया तो वो तो पीछे हो जाएगा। मुझे वी एल को 90 डिग्री आगे बताना है आई से, तो मैंने आगे ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कुछ वेक्टर डायग्राम जैसा, वेक्टर्स जैसा फील आ रहा है। ये मेरा वी आर है, ये मेरा वी एल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओ या रेक्टेंगुलर वाला लॉ लगाओ, कुछ भी लगाओ, लॉ ऑफ पॉलीगॉन लगाओ, लॉ ऑफ ट्राइंगल लगाओ वेक्टर एडिशन का, उन सब की मदद से मैं रिजल्टेंट निकाल सकती हूँ। और ये तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो भी एडिशन होगा, इन दोनों का जो भी ड्रॉप्स का रिजल्टेंट होगा, वो सप्लाई वोल्टेज का फेजर होगा। ऐसा केवीएल तो यही कहता है। तो ठीक है, मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बना ले अप्लाई कर लेती हूँ। तो मेरा वी आर ये है, मेरा वी एल ये है, तो मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो मुझे क्या दे देगा? वी, वो मुझे क्या दे देगा? वी, या फिर लॉ ऑफ ट्राइंगल। वी आर बनाया, उसके ऊपर आगे वी एल बना दिया, तो इस ट्राइंगल का
जो थर्ड लाइन होगी क्लोजिंग साइड वो वी होगी। इस तरीके से मुझे सप्लाई वोल्टेज का फेजर मिल गया। मतलब पहले मुझे इन दोनों के बारे में मालूम था, इन दोनों की मदद से मैंने फाइनली सप्लाई वोल्टेज पता कर लिया, तो ये फेजर मुझे मिला। अब ये सप्लाई वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, फाई। और क्या मिल रहा है, ना तो ये सर्किट पूरी तरह से प्योरली रेजिस्टिव जैसा काम कर रहा है, और प्योरली रेजिस्टिव मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जीरो नहीं है, नेट करंट और नेट वोल्टेज के बीच का एंगल जीरो नहीं है। तो ना तो ये पूरा प्योरली रेजिस्टिव जैसा काम कर रहा है, और ना ही नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच का एंगल डिफरेंस 90 डिग्री है, मतलब पूरी तरह से ये इंडक्टर जैसा भी काम नहीं कर रहा है। तो इस नेट करंट और नेट वोल्टेज के बीच का एंगल समवेयर बिटवीन 0 to 90 डिग्री है। ये फाई एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री मिल रहा है, 0 to 90 डिग्री मिल रहा है। मतलब ना तो पूरा रेजिस्टिव है सर्किट, ना पूरा प्योरली इंडक्टिव है, बीच का कुछ है। इसलिए करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस ना तो 0 डिग्री है, ना तो 90 डिग्री है, इसका बीच का मिल रहा है, और वो फाई है, वो एंगल डिफरेंस। मतलब फेज डिफरेंस आपको वोल्टेज और नेट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और करंट उससे जो बाहर निकल रहा है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन मिल रहा है वो फाई फेज डिफरेंस पर मिल रहा है, और वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। मतलब सर्किट का बिहेवियर इंडक्टेंस जैसा। प्योर रेजिस्टिव होता तो क्या बता रहा होता, कि दोनों के बीच का वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल डिफरेंस जीरो होना चाहिए था। प्योरली इंडक्टिव होता तो क्या बता रहा होता, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल डिफरेंस कितना होता, 90 डिग्री का होता। अब क्या बता रहा है, ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है वो एंगल। मतलब है तो नेचर इंडक्टिव, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, मतलब सर्किट का नेचर इंडक्टिव है, पर प्योर इंडक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस की मिलावट है, ऐसा बोलूं। यहाँ पे रेजिस्टेंस की मिलावट है इस इंडक्टर में, इसलिए ये प्योरली इंडक्टिव जैसा बिहेव ना करके इंडक्टर की साइड का बिहेवियर दे रहा है। ठीक है, अब ये एंगल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे अपन। केवीएल इक्वेशन मुझे क्या कह रहे दे रही है, क्या मैं अभी जैसा मैंने लिखा था कि क्या मैं ऐसा लिखूं, नहीं, ये इस डायरेक्शन का है वी आर, ये ऊपर की डायरेक्शन का है, और ये लीनियर एडिशन नहीं है। मतलब वी आर और वी एल अलाइंड नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब एक ही लाइन पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन नहीं, अपोजिट अपोजिट भी नहीं, उनके बीच का एंगल डिफरेंस, ये अगर 0 डिग्री पर है तो ये 90 डिग्री पर है। मैं एडिशन से इस केवीएल इक्वेशन को कैसे बताऊं, तो हम इसके ऊपर बार्स लगा देते हैं। बार्स का मतलब ये है कि इसकी कुछ डायरेक्शन है, इसकी भी कुछ डायरेक्शन है, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन से, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, या लॉ ऑफ पॉलीगॉन, या लॉ ऑफ ट्राइंगल्स के एडिशन से हमें कुछ डायरेक्शन वी की मिल रही है, पर तीनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हम इस बार से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे वेक्टर वर्ड मैडम क्यों ले रही है, वो इसलिए बेटा कि जब दो एक स्टोन है उस पर अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, एक इस डायरेक्शन का और एक इस डायरेक्शन का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो नेचुरली स्टोन जो मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ से मिलती है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो सेम वही लॉ यहाँ पर लगेंगे, पर वेक्टर और फेजर सेम नहीं होते हैं। वेक्टर के सारे लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे रूल्स फेजर्स पर अप्लाई होते हैं, पर फेजर्स जो होते हैं वो रोटेटरी होते हैं, वेक्टर्स रोटेटरी नहीं होते, ये सिंगल डायरेक्शनल होते। ये F1 इस डायरेक्शन में लगा है तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, F2 इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये घूम नहीं रहे हैं। और फेजर्स क्या है, लगातार घूम रहे हैं, वही तो इनका टाइम फैक्टर शो कर रहा है। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगी कि फेजर के एडिशन को
फेजर्स के एडिशन को समझने के लिए या फेजर्स का एडिशन पता करना है तो हमें वेक्टर एडिशन के सारे लॉज यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, करना ही है, क्योंकि सब सेम अलाइन डायरेक्शन में काम नहीं करे या सबकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, वो है। पर अगर वेक्टर बोल रही हूँ मैं तो यहाँ पे मुझे एरो लगाना पड़ेगा और रिजल्टेंट एफ आर जो निकलेगा उस पर भी मुझे एरो लगाना पड़ेगा। मतलब ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी है, ये तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है पर ये वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर और फेजर में डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे ऊपर बार लगा रहे हैं, एरो नहीं लगा रहे। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एरो। यहाँ पे हम एरो नहीं लगाएंगे। ये नॉन एरो वाले जो बार है वो समझा रहे ये फेजर से, ये रोटेटरी है नेचर में, ये पूरे टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तीनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इनके एडिशन के लिए हम वही सारे लॉज एंड रूल्स अप्लाई करते हैं जो वेक्टर एडिशन के होते हैं। और ये जो है वेक्टर्स, ये रोटेटरी नहीं होते हैं पर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ ट्राइंगल, वो सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाते। तो इस सिंपलेस्ट वे में मैंने अभी वेक्टर और फेजर का आपको डिफरेंस बताया है। ठीक है, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि केवीएल जो है मेरी इस टाइप से होगी। वी इसका फेजर इज इक्वल टू वी आर फेजर प्लस वी एल फेजर, वी फेजर इज इक्वल टू वी आर फेजर प्लस वी एल फेजर। तीनों यूनिडायरेक्शनल नहीं है, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है और वो यहाँ से समझ में आ रही। और कौन से डायग्राम से ये समझ में आ रही? वोल्टेज ट्राइंगल से। ये है फेजर डायग्राम, दिस इज एंटायर फेजर डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे करंट भी है, वोल्टेज भी, सब है, इसलिए ये फेजर डायग्राम है। पर अगर मैं बोलना चाहूँ कि मुझे कहाँ से समझ में आ रहा है कि ये केवीएल इक्वेशन लिखनी चाहिए, तो मुझे इस वोल्टेज ट्रायंगल से समझ में आ रहा है। दिस इज वोल्टेज ट्रायंगल, इस वोल्टेज ट्रायंगल से समझ में आ रहा है कि मुझे ये केवीएल इक्वेशन मेरी होगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि बार लगेगा, ये सब सेम डायरेक्शन में नहीं है, क्यों नहीं है? तो रेजिस्टेंस का नेचर, इंडक्टर का नेचर वहाँ पर काम कर रहा है, तो ये तीनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। पर फिर भी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे V का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे VR का चाहिए, VL का, या ये चलो मान लिया कि VR और VL का मैग्नीट्यूड मालूम है, मुझे तो V का मैग्नीट्यूड चाहिए, कैसे पता करूं? तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, मतलब ये एक्चुअली रिप्रेजेंट है, तो ये है मोड ऑफ V फेजर, मोड ऑफ V फेजर मतलब V ओनली, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकाल सकती हूँ? पाइथागोरस थ्योरम से। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। उस मैथ्स के रूल से मैंने V का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। V का मैग्नीट्यूड निकाला तो मैं वी आर को कैसे लिख सकती हूँ? I into R, क्योंकि इसमें से बहने वाला करंट I है और रेजिस्टेंस R है और इसमें से बहने वाला करंट I है और रिएक्टेंस XL है, तो ये वोल्टेज होगा एम्पियर्स इंटू ओम्स, एम्पियर्स इंटू ओम्स, और उसका स्क्वायर किया तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर। अब मैं क्या कर सकती हूँ? I को बाहर ले लिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो स्क्वायर होके स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आई ऐसा ही रहा। और ये जो है इसको मैंने कहा जेड, इसे क्या नाम दिया? जेड। अब आप कहेंगे ये मैग्नीट्यूड है, तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, वी मैग्नीट्यूड है, तो ये आई भी मैग्नीट्यूड है। अगर मैं फेजर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वी फेजर इज इक्वल टू आई फेजर इंटू जेड, ऐसे लिख सकती हूँ, वी फेजर इज इक्वल टू आई फेजर इंटू जेड। जेड इज नॉट एट ऑल अ फेजर, वोल्टेज फेजर होता है, करंट फेजर होता है, आगे जाके मशीन्स में पता चलेगा फ्लक्स फेजर होता है, MMF फेजर होता है, पर ये जेड ओम्स इज नॉट एट ऑल अ फेजर। वोल्ट्स इक्वल टू एम्पियर्स इंटू ओम्स, मतलब ये क्या है? ये जो है करंट के रास्ते में ये दोनों मिलके जितनी रुकावट डाल रहे हैं वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर क्वांटिटी की, और इस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? जेड, जेड एब्रीविएट करते हैं,
ये मैग्नीट्यूड वाइज हो गया V इक्वल टू I इंटू जेड, V मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू I मैग्नीट्यूड इंटू जेड, या फिर V फेजर इज इक्वल टू I फेजर इंटू जेड। पर जेड क्या होता है, इट शुड बी इन ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और इसे हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस, इसे हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं। तो नेचुरली Z इज इक्वल टू V अपॉन I ऐसा आएगा। Z को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ V अपॉन V फेजर अपॉन I फेजर से, और ये मेरे लिए तब एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये V का मैग्नीट्यूड अपॉन I का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z का मैग्नीट्यूड, V फेजर अपॉन I फेजर इज इक्वल टू Z, सम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी विल बी देयर। तो ये जो है यहाँ तक मैंने आपको जेड टोटल इन दोनों की वजह से करंट के रास्ते में जो रुकावट आ रही है वो जेड होगी। जेड मतलब मैग्नीट्यूड में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा, और इसका नाम है इम्पिडेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम्स। अब इस फाय का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर रब कर लूँ। अब यहाँ पर देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि V का cos phi पार्ट जो होगा वो VR होगा। ये कैसे आया, कुछ नहीं, इस ट्रायंगल पर, इस वोल्टेज ट्रायंगल पर हमने ये V लेंथ है, ये VL लेंथ है, ये VR लेंथ है, इस वोल्टेज ट्रायंगल पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cos phi की वैल्यू फाइंड आउट की, तो वो V अपॉन वी आर होगी, वी आर अपॉन वी होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऐसे ही अगर मैं वी एल पता करने जाऊँ तो वो वी साइन फाई होगा। इस तरीके से मेरे लिए वी एल का मैग्नीट्यूड वी साइन फाई आया और वी आर का मैग्नीट्यूड वी कॉस फाई भी आया। तो हम इस तरह तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसको मैं कॉस फाई को देखने जाऊँ तो वो वी अपॉन वी आर अपॉन वी होगा, वही सेम घुमा के वही बात कर रही हूँ। और साइन फाई अगर होगा तो वो वी एल अपॉन वी होगा, ये है। अब फाइनली अगर मैं देखूँ तो वोल्टेज, नेट वोल्टेज सर्किट में कितना है, वी आर एम एस वी है, और नेट करंट कितना है, आई है। तो वहाँ से मुझे फिगर में समझ में आ रहा है कि सप्लाई जो करंट दे रहा है वो आई है, और सप्लाई का जो वोल्टेज है वो कितना है, वी है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। मतलब अगर मैं सप्लाई वोल्टेज जो कि मुझे मालूम है कितना है, तो मैं साइनोसाइडल वेवफॉर्म अगर सप्लाई वोल्टेज की बनाती हूँ तो वो ये वाली हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए सप्लाई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो वी एम साइन ओमेगा टी है। तो उसका वेवफॉर्म मैंने ऐसे बनाया, टी एक्सिस, और ये मेरा वी है, तो दिस इज योर वी। अब अगर मैं आई बनाती हूँ तो आई लैग कर रहा है वी को, आई लैग कर रहा है, और नेचुरली आई का क्वांटिटी छोटी होगी, क्योंकि आई में जब जेड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आई में जब जेड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब जाके हमें वी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं छोटे हाइट के साथ आई का साइनोसाइडल वेवफॉर्म बना सकती हूँ। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो एंगल डिफरेंस, ये फाई है, मतलब जीरो क्रॉसिंग वोल्टेज की टी ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पर हुई, तो जीरो क्रॉसिंग करंट की ओमेगा टी इक्वल टू फाई पर हुई। फिर पीक जो आया वी का, वी एम, वो 90 डिग्री पर आया, तो करंट का जो पीक आएगा वो 90 प्लस फाई पर आएगा। इस तरीके से वोल्टेज के जो जो इवेंट्स है वो करंट में, वही इवेंट्स फाई डिग्री के बाद होगा, फाई एंगल के बाद होगा। तो ये लैगिंगनेस किसकी वजह से आई, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता तो करंट और वोल्टेज का जो कर्व होता वो एग्जैक्टली सेम होता, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता। हमने उस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जब इंडक्टर को ऐड कर दिया
तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस आ गया और करंट पिछड़ने लगा, वोल्टेज के पीछे पीछे करंट चलने लगा, वोल्टेज के पीछे पीछे करंट चलने लगा, तो ये लैगिंगनेस किसकी वजह से आई, ये पिछड़ने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आया करंट में वो किसकी वजह से आया, इंडक्टर की वजह से आया। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन अभी मैं इसे पार्ट वन कहूँगी एक्सप्लेनेशन का, जिसमें मैंने आपको इम्पीडेंस का एग्जिस्टेंस समझाया, फेजर डायग्राम से इस वेवफॉर्म पर आना मैंने समझाया, और साथ में मैंने यहाँ पर फेजर डायग्राम से वोल्टेज का क्वांटिटी, कॉस टर्म, साइन टर्म, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में, नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच में कितना होता है, ये सब समझाया। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन अब मैं पार्ट टू में दूंगी, ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, तो आप इसको अच्छे से जितना मैंने बताया है उसको आप रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट टू लेकर आऊँगी, तब मैं इसमें आगे की और बाकी की चीज़ें समझाऊंगी। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोस से ज़्यादा पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।